Good morning, children. How are you? Second class? कैसे हैं? आज क्या पढ़ेंगे? हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है पूरा, जो समय था, ठीक है? आज पढ़ेंगे चैप्टर पार्ट सेकेंड. कौन सा है? शहद. शहद की कहानी. किसकी? शहद की. कहानी. ओके. शहद. शहद कौन सा? क्या होता है? हनी, जिसको इंग्लिश में हनी कहते हैं. बहुत से लोग शहद को क्या कहते हैं? गर्म पानी में डाल के पीते हैं और शहद को दवा में, जो देसी दवा होती है, उसमें मिला के खाते हैं और बहुत सारी चीजों में काम आता है. हमारे स्वास्थ्य के प्रति बहुत काम आता है शहद. तो आज लेनी है हमारे इसके बारे में प्रस्तावना. देखिए, आप मैं शुरू करूँ पढ़ना शुरू करती हूँ. शहद की कहानी. किसकी कहानी है? शहद की. शहद क्या होता है? हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, ठीक है? तो प्रस्तावना है, हमारे शहद हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होता है, ठीक है? और दूध में शहद डालकर पीने से मस्तिष्क और शरीर में ताकत आती है. जो लोग दूध में एक चम्मच शहद डाल के पीते हैं तो उसे माइंड और एनर्जी पावर, शरीर में ताकत आती है, ठीक है? फिर प्रतिबिंब. ये देखिए, आप ऐसे क्यों पढ़ोगे? ये ठीक है, ये है प्रतिबिंब. प्रतिबिंब क्या कहता है? इस पाठ में शहद बनाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है. ये जो हमारा चैप्टर है इसमें क्या किया गया? शहद कैसे बनता है उसके बारे में बताया गया है, विवरण किया गया है, ठीक है? कि मधुमक्खी कितनी मेहनत के बाद शहद बनाती है, इसमें यही चीज आज बताई गई है कि शहद किस तरीके से बनता है और मधुमक्खी को कितना टाइम लगता है शहद बनाने. तो आगे क्या है हमारी? परिकल्पना. परिकल्पना क्या कहती है? शहद का उपयोग कई दवाइयों के साथ भी किया जाता है. जो मैंने बताया ना, जो देसी दवाइयां होती है, जो वैद्य वगैरह दवा देते हैं, वो दवा हम लोग अक्सर क्या कहते हैं? वैद्य कहते हैं कि ये जो देसी दवाई है इनको आप लोग शहद के साथ में उपयोग करो या शहद के साथ में खानी है, ठीक है? तो मधुमक्खी का छत्ता हमें एकता की सीख देता है. और मधुमक्खी का छत्ता क्या कहता है? वो हमें एकता की सीख, यानी इकट्ठे रहने की सीख, यानी शिक्षा देता है, ठीक है? आपस में एकता हो तो कुछ भी संभव है. क्या कह रहे हैं? कि आपस में एकता हो, यानी परिवार इकट्ठा हो, संयुक्त हो, तो वो कुछ भी कर सकता है और अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता. तो इसमें आज यही बताया गया है कि भाई एकता वाली अनेकता है, ठीक है? और शहद कैसे बनता है, क्या प्रक्रिया है शहद की, वही चीज इसमें बताई गई है, ठीक है ना? तो अभी देखें, इसमें पढ़ना शुरू करते हैं. आगे नीचे आ जाइए. ये इधर मैंने ये दोनों पढ़े, प्रस्तावना, प्रतिबिंब, परिकल्पना. अभी हम क्या पढ़ेंगे, इसके नीचे क्या कह रहे हैं कि गर्मी की छुट्टी में अमित अपने दादा दादी से
से मिलने गांव आया। हमें कहना इसमें जो ये बच्चा है ये क्या है, अपने दादा दादी से मिलने गांव में आया। अमित की दादी ने सुबह उसको नाश्ते में पराठा और शहद खाने को दिया। क्या दिया दादी ने? पराठा और शहद नाश्ते में खाने के लिए दिया था। ठीक है, अमित को शहद बहुत ही स्वादिष्ट लगा। कैसा लगा? बहुत ही टेस्टी यमी यमी शहद लगा अमित को। और उसने दादी से पूछा, क्या पूछा? दादी जी यह जैम तो नहीं है? क्या नहीं है? जैम। जो शहर में जो लोग रहते हैं वो बच्चे क्या करते हैं, अक्सर क्या क्या करते हैं, जैम खाते हैं। वो भी शहर जैसा ही होता है, पर वो जैसे कि फ्रूट्स का होता है, हाँ, और अक्सर फ्रूट्स का ही जैम बनता है, पर उसमें फ्लेवर्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। किसान जैम होता है और फ्रूट्स में भी काफी सारे अलग आते हैं, मैं बोल रही हूँ, पर वो भी के शहद से होता है। तो वो बच्चा क्या कह रहा है, क्योंकि वो शहर से गाँव आया तो शहर में उसकी मम्मी क्या करती थी, पराठे पे भाई जैम लगाया या ब्रेड पे जैम लगा के उसको नाश्ते में देती थी। अब जब वो गाँव गया तो गाँव में दादी ने क्या किया, गाँव में दादी ने पराठे पे शहद लगा के उसको दे दिया। तो पूछा, दादी जी कहीं ये जैम तो नहीं है? तो क्या है यह? फिर बोला, जैम तो नहीं, तो फिर ये है क्या चीज, ये तो बताओ। तो दादी ने कहा, दादी ने अमित को बताया, यह शहद है। क्या है बेटा? ये शहद है। ठीक है, अमित ने पूछा शहद क्या होता है। दादी ने कहा, अमित ने पूछा शहद क्या होता है दादी, हमने तो कभी नहीं खाया। तो फिर दादी क्या बताती है, दादी बोली, बेटा यह मधुमक्खी के छत्ते से मिलता है। किससे मिलता है? मधुमक्खी का छत्ता। जैसे गांव में क्या, कहीं पे भी आप देखो, जैसे पेड़ों में काफी इतना बड़ा सा छत्ता होता है एक जगह इकट्ठा, जिसमें शहद बनता है, मधुमक्खी शहद बनाती है। ठीक है, अमित अपने दादाजी से जिद करने लगा कि वे उसे मधुमक्खी का छत्ता दिखाने के लिए ले जाएं। कहा, अमित जो था बच्चा जो था उसने बहुत जिद करी अपने दादाजी से और बोला कि दादाजी प्लीज मुझे लेके चलो ना वो छत्ता मधुमक्खी का छत्ता दिखाने के लिए, मैं भी देखना चाहता हूँ कि शहद कैसे निकलता है, कैसे बनता है, मुझे भी बताओ। उसमें क्या एक उत्साह जागृत हो गया नई चीज देखने का, होता है ना हर किसी बच्चे में होता है, नया काम करने की बहुत लालसा होती है, नया काम देखने की करने की। तो वही चीज अमित के अंदर थी, वो उसके लिए एकदम नया था। क्या क्या नया था? मधुमक्खी का छत्ता, शहद, क्योंकि उसने क्या खाया, जैम खाया। अब जब उसको शहद, शायद आप लोगों में भी बहुत कम बच्चों ने शहद खाया होगा, हर किसी बच्चे को नहीं पता कि शहद होता क्या है, क्योंकि अक्सर गांव में कहीं पर भी जाओ तो वहां शहद बनता है। आजकल तो शहद मार्केट में बहुत मिलता है, पर वो देसी नहीं होता। जो देसी होता है वो ये इस टाइप का, आपकी पिक है इसमें, इसमें दिखाई दे रहा है कि किस टाइप का शहद छत्ता होता है। इस टाइप का छत्ता होता है, पेड़ की डाली पर या पेड़ के किसी कोने में लगा हुआ होता है, जैसे उसमें बहुत सारी मधुमक्खी होती है, अगर मधुमक्खी काट ले ना तो लाल पीला कर देती है सबको। तो हाँ, अब देखिए फिर क्या है, जब उसको क्या हुई, लालसा हुई मधुमक्खी का छत्ता देखने के लिए। दूसरे दिन दादाजी अमित को मधुमक्खी का छत्ता दिखाने के लिए ले गए। कहाँ ले गए? मधुमक्खी का छत्ता दिखाने के लिए लेके गए। कहाँ? अपने बाग में। कहा? उनका एक बाग था जहाँ एक पेड़ पर वो छत्ता लगा हुआ था मधुमक्खी का। तो अमित को वो वहीं पर लेके गए और बोले कि यही चल, वहां एक पेड़ पर छत्ता लगा
हुआ था। उसे देखकर अमित ने पूछा, दादाजी ये मक्खियाँ शहद कहाँ से लाती हैं? उसने क्या कहा? उसने पूछा, दादाजी ये जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो शहद कहाँ से लेके आती हैं और कैसे करती हैं? तो दादाजी ने क्या कहा? दादाजी बोले, शहद फूलों का मीठा रस होता है। क्या होता है? फूलों का मीठा रस होता है। ठीक है, ये है हमारा आज का चैप्टर। और ये मक्खी क्या होता है? फूलों का मीठा रस होता है शहद। ये मक्खियां फूलों से रस लाकर उससे शहद बनाती है। क्या करती है? जो फूल होते हैं उन पे जाती हैं, वहां से मीठा रस लेके आती हैं और फिर शहद बनाती हैं। ठीक है, जब एक एक फूल पे जाएगी, वहां से खाएंगी, तभी तो बनाएगी, है ना। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। शहद ही इनका भोजन है। किसका भोजन है? मधु मक्खियों का भोजन ही शहद है। ठीक है, ये दिन भर शहद इकट्ठा करने के लिए फूलों पे मटराती रहती है। फूलों के इधर उधर घूमती रहती है कि वहां से शहद मिलता रहे। क्या तुमने कभी इन मक्खियों को फूलों पर मटराते हुए नहीं देखा? दादाजी अमित से कह रहे हैं कि तुमने कभी, ये मक्खियां हैं, इनको कभी फूलों के आसपास घूमते हुए नहीं देखा? भाई देखा तो होगा कभी फूल वगैरह के आसपास कैसे घूमती कैसे नहीं घूमती, तो वही चीज इसमें बताई गई है। ठीक है, तो ये हम यहाँ तक पढ़ लेंगे। ठीक है, कल पढ़ेंगे आगे। तो अभी हम क्या डालते हैं? पार्ट टू, शहद की कहानी। पढ़नी है क्या करनी है? शहद की जो कहानी है उसको पढ़ना है। कहाँ तक पढ़ना है? मैं ये जो हमारा है यहाँ तक, ये छत्ता बनाया है इसके ऊपर जो पैराग्राफ है यहाँ तक आपको पढ़ना है, फिर यहाँ से आपको कल पढ़ने के आगे। ओके, ठीक है ना, इसको समझ के पढ़ना है, एक एक चीज को अच्छे से क्लियर करके पढ़ना है। जैसे बताया है वो सब आपको क्लियर करना है कि शहद क्या है, मधुमक्खियां कैसे बनाती हैं, क्या करती हैं, इन सब के बारे में। ओके, और पांच वन के सरदार याद कीजिए। ठीक है, ये आपको करना है। क्या है आपका? एडजर्ब। ठीक, आज के लिए एडजर्ब है, ये काम हमको करना है। और जब चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है ना, चलिए, टेक केयर, ओके बाय।